अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सुमैरा शिराज। आज की हमारी रेसिपी है स्माइली पोटैटो स्नैक्स। पोटैटो स्नैक्स किड्स को इतने ज़्यादा पसंद होते हैं, और अगर उनको स्माइली शेप में बना के किड्स के सामने रखा जाए तो कौन सा बच्चा इनको शौक से नहीं खाएगा। तो मज़ेदार किस्म के स्माइली स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पोटैटो मैंने लिए हैं 300 ग्राम, बंद गोभी मैंने ली है 100 ग्राम, ग्रीन चिलीज मैंने लिए हैं 20 ग्राम, कुकिंग ऑयल मैंने लिया है 1 कप, इसके साथ साथ बेसन जाएगा इसमें 100 ग्राम। अच्छी तरीके से इसको छान लिया है मैंने, और आलू बॉयल करके क्यूब्स में चॉप कर लिए हैं। ब्रेड क्रम्स इसमें जाएंगे 100 ग्राम। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अलग से भी मौजूद है। धनिया पुदीना ड्राई किया हुआ, जैसा कि मैं हर रेसिपी में बताती हूँ, मेरे पास पड़ा होता है, ये मैंने लिया है तकरीबन 20 ग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बॉयल पोटैटोज़ जो कि मैंने क्यूब्स की शक्ल में अच्छे से वॉश करके साफ़ करके रखे हुए हैं, इनको हाथ की मदद से मैश कर लेंगे। अगर पोटैटो मैशर है तो उससे भी मैश कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इनको मैश करके इनका पेस्ट बना लें सॉफ्ट सा, और ये तकरीबन हमारे पोटैटोज अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बारीक चॉप की हुई मैंने जो 100 ग्राम बन को भी रखी हुई है वो इसमें डाल देंगे। बर्तन अच्छे तरीके से साफ किया करें, कोई भी ज़र्रा इसका ज़ाया ना हो। ग्रीन चिलीज़ बारीक चॉप की हुई 20 ग्राम वो भी इसमें पोटैटोज़ में डाल देंगे। धनिया पुदीना 20 ग्राम ये भी डाल देंगे। बेसन जो कि मैंने छान के रखा हुआ है 100 ग्राम, इस पोटैटो के पेस्ट में इनको अच्छे तरीके से ऐड कर लेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। बर्तन अच्छे तरीके से साफ होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं ड्राई पेपर्स की तरफ। ड्राई पेपर्स मैंने लिए हैं धनिया 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ धनिया मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कुटा हुआ नहीं है तो आप उसको ग्राइंड में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। नमक हसबे जायका, अगर आप लोग ज़्यादा तेज़ नमक खाते हैं तो 1 टेबलस्पून से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ राई मैंने ली है तकरीबन 1/3 टेबल स्पून, इसका बहुत ही अच्छा और खट्टा टेस्ट आता है। ये स्पेशल मसाला है स्नैक्स का, पोटैटो स्नैक्स मसाला मिलता है ये 1 टेबल स्पून। इसके अलावा रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इस्तेमाल की है 1 टेबल स्पून, और हल्दी भी 1 टेबल स्पून जाएगी इसमें। चिली गार्लिक सॉस या टोमेटो सॉस आपके पास जो भी अवेलेबल हो, टमाटरों की जगह पे वो आप ये सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इस्तेमाल किया है, और ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बहुत ही आराम से और अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। पेस्ट बनाना है बहुत ही सॉफ्ट सा। ये तकरीबन मिक्स हो चुके हैं, अब हाथ की मदद से इनकी डो बना लें। इस तरीके से इनको गूंद के इसकी डो बना ली है मैंने। इस डो को तकरीबन मैं रखूंगी 20 मिनट के लिए। अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, वरना रूम टेम्परेचर पे भी रख लें। तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैदा स्प्रिंकल कर लिया है मैंने, और ये जो डो है हमारी ये रेडी हो चुकी है। अब इसको हाथ की मदद से रफ रोटी बना लेंगे। आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वैसे ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसकी रोटी आराम से बन जाती है।
कोई भी ढक्कन लेके इनको गोल गोल शेप में निकाल लें। और ये हमारी देखें जी, ये स्नैक्स की शेप रेडी हो चुकी है। कितनी ही नफासत से ये मैंने स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। अब इनकी स्माइली शेप बनाने के लिए मुझे एक चम्मच चाहिए। बहुत ही आसान है ये शेप बनाना और बच्चे ये बहुत ही शौक से खाते हैं। ये देखिए, चम्मच की बैक साइड से इसकी दो आइज़ भी मैंने बहुत ही आसानी से बना ली है और इस तरह से राउंड करके इनकी आइज़ बना लें स्माइली की, और चम्मच की मदद से ही ये स्माइली की शेप बन जाएगी। और ये हमारी स्माइली स्नैक्स रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से सारे स्नैक्स बना लेंगे। एक और स्नैक बनाना मैं सिखा देती हूँ, बहुत ही आसान है ये। इस तरीके से राउंड शेप में इनकी स्माइली की आइज़ बना लें और स्पून की मदद से इसकी स्माइल बना लें। आप चाहें तो और भी स्माइली की शेप्स बना सकते हैं, लेकिन ये स्माइल करता हुआ स्माइली बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। एक और शेप बनाना मैं सिखा देती हूँ। डिटेल से बनाने का मकसद ये होता है कि आपको एक एक स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तकरीबन सारी स्माइलीज हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये देखिए कितनी ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं ये स्माइलीज। और ये हमारे स्माइली स्नैक्स तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब इनको सर्व करते हैं। एक प्लेट में इनको सबको निकाल लें और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको बता दें। ब्रेड क्रम्स जो हमने लिए हुए थे 100 ग्राम, उससे इनको अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत लग रही है ये शेप और खाने में भी ये इतनी ही मज़ेदार है। अब चलते हैं कोटिंग की तरफ। ये जो हमारी स्माइली स्नैक्स हमने रेडी की हुई हैं, इनको हम एक एक करके ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और अगर कोई रेसिपी सीखनी हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको सिखा दूँगी। ये हमारी स्माइली स्नैक्स की कोटिंग रेडी हो चुकी है और मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल प्री हीट होने के लिए पहले से रख दिया था, उसमें ये स्माइली कुक होने के लिए डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे नॉर्मल मीडियम फ्लेम पर कुक होने में। साथ साथ चम्मच हिलाते रहें और इंग्रेडिएंट्स सेम क्वांटिटी जिस तरह मैंने बताई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगी, उस तरीके से बनाएंगे तो आपके स्नैक्स नहीं टूटेंगे। ये हमारी गोल्डन ब्राउन शेप में स्माइली स्नैक्स रेडी होती जा रही हैं। इनको साथ साथ अलग करते जाएं और सारी स्नैक्स इसी तरीके से शैलो फ्राई कर लें। एक तरफ से कुक होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी इनको कुक कर लें। और इनकी कितनी खूबसूरत शेप लग रही है। और ये हमारी स्माइली स्नैक्स तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मौसूल होती रहे। साथ साथ इनको ट्राई भी कर लें। केचप के साथ ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के लगते हैं और रमज़ान में ये स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।